आज लड़खौर में जो है सभा आयोजित की जा रही है, तो सभी आए हुए आदरणीय बुजुर्ग जन, माताएं बहने, युवा साथी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रमोद यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, श्री मुकदम सिंह यादव जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, श्री चंदनी राम जी, श्री सोनू यादव जी, श्री अनिल प्रताप सिंह यादव जी, श्री अनवर जी, श्री सत्यराम सिंह यादव जी, श्री सरनाम सिंह यादव जी, श्री रामफल प्रधान जी, श्री प्रदीप साखे जी, श्री वीरू भदौरिया जी, श्री दुष्यंत साखे जी, श्रीमती अनिता यादव जी, श्री शिवराज सिंह यादव जी, श्री अंशु यादव जी और इस जिला पंचायत से आए हुए सभी सदस्य, पूर्व सदस्य, सारे हमारे सेक्टर प्रभारी, सब सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति के भी आए हुए युवा साथी, आप सभी को धन्यवाद और आभार कि आज आप सब यहाँ पे आए हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब 2022 का चुनाव हुआ था तो आप सभी ने अपना एक एक वोट डाल के हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया था। और पूरे देश में मेनपुरी और नेताजी, मेनपुरी लोकसभा क्षेत्र और नेताजी का जो भावात्मक रिश्ता रहा है, तो पूरे देश और प्रदेश ने इस बात को जाना कि एक लोकसभा ऐसी भी है जहाँ के सभी लोगों ने उनके सबसे प्रिय नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो काम किया। और मैं हमेशा आप सबके और मैं हमेशा आप सभी के लिए इस बात के लिए आभारी रहूंगी। हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव देश कैसा आगे चलकर होगा और क्या परिस्थितियां आगे चलकर बनेंगी देश में, यह इसका भी चुनाव है। और यह चुनाव बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है, क्योंकि आज जो देश और प्रदेश में हालात है वो असामान्य है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दिक्कतें और हमारे जवान भाइयों का दुख, किस तरह यह सब मिलकर जो माहौल बना है आज देश में, जहाँ सभी वर्ग और सभी समाज के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति, जो शीर्ष नेतृत्व है, हमने देखा कि किस तरह दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया और इसी तरह दबाव की राजनीति के चलते सभी प्रदेशों में अगर हम देखेंगे तो सभी नेताओं पे कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति चल रही है, चाहे गांव-गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो। और कहीं ना कहीं आज सब महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, क्योंकि अगर आप दबाव की राजनीति का प्रयोग करेंगे तो लोकतंत्र किस बात का। अगर आप चेयरमैन के चुनाव में, मेयर के चुनाव में वोटों की चोरी करेंगे तो किस बात का लोकतंत्र और किस बात का गणतंत्र है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि यह चुनाव कहीं ना कहीं पूरे देश को संदेश देने का भी चुनाव होने जा रहा है, जहां युवा साथी आक्रोशित है कि नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, कि नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, वहीं आज किसान अपने आप को कहीं ना कहीं खाली महसूस कर रहा है, क्योंकि आज डीएपी की कीमत 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बोरी में चोरी जहाँ 5 केजी की हो रही थी, आज 10 किलो की चोरी हो रही है। और वहीं बहुत महंगी बिजली और सिंचाई। और माताओं बहनों से क्या कहेंगे, आज राशन की हालत हम सभी देख रहे हैं कि क्या राशन की हालत हो गई है, कहाँ बाजरा मिल रहा है और कहाँ 10 साल पूर्व का अगर आप आकलन करेंगे तो कहाँ आपको चीनी, चावल, गेहूँ और तेल भी मिल जाता था, कड़वा तेल। और जो परिस्थितियाँ हैं मौजूदा, मैं समझती हूँ जहाँ सबको
हक सम्मान और न्याय मिलना चाहिए और संविधान के माध्यम से जो राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक हक जिसपे सभी समाजों का हक है जो मिलना चाहिए आज वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति हावी हो रही है सभी समाजों पे और सभी वर्गों पे। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस लड़ाई में जो आपने पहले भी देखी थी जो पुरानी परंपराएं थी जिस तरह की दबाव की राजनीति का जितने भी यहाँ पे आदरणीय बुजुर्ग जन उपस्थित हैं और जितने भी मंच में भी आदरणीय बुजुर्ग जन उपस्थित हैं जो सामना किया है वही परिस्थितियाँ आज फिर से उजागर है और हावी हो रही है। लेकिन हम सबको ये बात माननी होगी कि अगर हम सब एक साथ सभी समाज लोग चाहे कोई भी समाज का हो एक साथ खड़े हो जाए इस लोकतंत्र की रक्षा में इस संविधान की रक्षा में तो कहीं ना कहीं हम सब इनको परास्त कर सकते हैं। और जसवंत नगर और किशनी में हमेशा से आपस में कंपटीशन है कि किशनी वालों के वहाँ जाएंगे हम तो कैसे किशनी ज्यादा वोटों से जिताएगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जसवंत नगर ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेगी। कहीं ना कहीं और अगर हम लोग इस देश में सरकार को हटाने का काम करेंगे लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि प्रदेश की सरकार भी जा सकती है क्योंकि लोहिया जी ने कहा है कि जिंदा कौम है 5 साल इंतजार। तो इस लड़ाई में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी क्योंकि बहुत कम दिन का चुनाव बचा है 5 दिन का चुनाव बचा है प्रचार का और फिर ये लड़ाई बूथ की लड़ाई होगी हमारा वोट हमारे बूथ तक पहुंच जाए अब ये इस पर निर्भर करता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर आप वोट करने जाएं और जितने भी हमारे सेक्टर प्रभारी सब सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्ष आदि उपस्थित हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पहले आपने काम किया है लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए क्योंकि सही मायने में पार्टी को मजबूत करने में आपका जो योगदान है उसके लिए सब जानते हैं कि आप सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं पूरे वर्ष और चुनाव वाले दिन भी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप मजबूती के साथ ये बूथ की लड़ाई को लड़ें और आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि यह लड़ाई जहां हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है जहां हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है वहीं यह पूरे देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की भी लड़ाई है। तो उस लड़ाई में सब लोग साथ मिलकर लड़े और अब लड़ाई ये नहीं है कि कौन जीतेगा जीतेगी तो समाजवादी पार्टी ही है जो लोकसभा क्षेत्र से लेकिन अब बस संख्या बढ़ाने की लड़ाई है कि कितना वोट हम बढ़ा ले जाए और तभी दूसरे खेमे में खलबली मची हुई है तभी बैलगाड़ी में चला जा रहा है। सबको समझना होगा कि जीत की लड़ाई नहीं है ये अब हमारे लिए जीत बढ़ाने की लड़ाई है और आपका सहयोग और आपके साथ के बगैर ये थोड़ा मुश्किल होगा कि बढ़ा कैसे ले जाए। तो आप सभी की मैं आभारी हूँ और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी माताओं बहनों को कहूँगी कि 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चक्कर में बहुत बहुत धन्यवाद।